कांग्रेस पार्टी द्वारा सुहागपुर विधानसभा से पूर्व विधायक अर्जुन कलिया के पुत्र सतपाल कलिया को उम्मीदवार घोषित किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारने से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुहागपुर विधानसभा से विजयपाल सिंह ठाकुर को फिर से विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। विजयपाल सिंह ठाकुर ने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माखन नगर बाबर में जनसंपर्क किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के लोग शामिल हुए। होशंगाबाद सिटी इनसे सुधीर अग्रवाल की रिपोर्ट। आज की स्थिति में इस क्षेत्र का सबसे अहम मुद्दा किसानों का मुद्दा है। पिछले कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि किसान की जो आर्थिक स्थिति बड़ी चरमराई है, जो आज मंडियों में किसानों की हालत है, आज सोसाइटियों में गरीबों की राशन को लेकर हालत है, और साथ साथ जो युवाओं के साथ जो बेरोजगारी की हालत है, ये बहुत गंभीर अहम मुद्दा है। और आप देख सकते हैं कि आज की स्थिति में महिलाएं बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। तुरंत आप अगर मुद्दा उठाएं, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बोलूँ तो पिपरिया की सारी घटना है कि 5 साल की बच्ची के साथ इतने कहना चाहिए कि संगीन तरीके से उसका गलत हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या की है, और कई दिनों से प्रशासन मौन बैठा हुआ है। और स्थानीय भाजपा के लोग, इस बार समय नहीं है कि जाके तुम्हारी सत्ता में होने के बाद भी तुम जाके उसके परिवार को न्याय दिला सको। तो हम चाहते हैं जो अशांति क्षेत्र में फैली हुई है कि आज घर से बहन बेटी बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, हम इस टाइप का जो गुंडा राज इसको खत्म कर सकें और चैन और अमन की एक आम जनता सांस ले सके। पहले तो मैं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और राज्य को बहुत साधुवाद करता हूँ, और विशेष जनता को बहुत साधुवाद करता हूँ। निरंतर मुझे गुरुवारों के आशीर्वाद देकर जनता की सेवा करने का अवसर दिया। मैं फिर मान रहा था और क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ कि अभी मैंने बीमारू में विधानसभा की रोडे की सड़कने की बिजली की पानी नहीं था, उससे पूरा होकर आप मेन जगह पर आए हैं और अब हम हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी का समृद्ध मध्य प्रदेश का सिटी इन लाइव, हमेशा समाचार के साथ।